हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस ऑफ कलाकृति। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ दो स्टाइल्स के बेडरूम मेकओवर्स जो मैं करने जा रही हूँ। कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे अमेज़ॉन से और मीशो से। सारे प्रोडक्ट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले कमरे से। मैंने समर्स के अकॉर्डिंग बेडरूम का थीम डिसाइड किया है, पिस्ता ग्रीन एंड येलो। और रिसेंटली मैंने समर्स के लिए बेडशीट्स और दोहर इस बार ऑर्डर करे हैं इंडियन फैब्रिकों से, जिसकी क्वालिटी और डिज़ाइंस बेमिसाल हैं। अगर हम अपने कुशन्स को ही ना काफ़ी अच्छे से स्टाइलिंग करें तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये कुशन कवर्स अमेज़ॉन और मीशो दोनों पे ही अवेलेबल है, बट मैंने अमेज़ॉन से परचेज करे हैं। आजकल मैं बोहो कुशन कवर्स यूज़ करने लगी हूँ लिविंग रूम और बेडरूम में टू गिव अ सटल लुक। बेडरूम में लाइट थोड़ी कम आती है, तो मैंने प्रेफर किया है कि मैं सेमी ब्लॉकआउट कर्टन्स ही यूज़ करूँ। समर्स में वाइट बेस के कर्टन्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये फ्लोर लैम्प एप्रोप्रिएट रहा इस बार मेरे बेडरूम के अंदर। एक तो ये बहुत ही फंक्शनल है, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। आप इसमें ग्रीन प्लांट्स डेकोरेट करके रख सकते हो। अगर बेडरूम छोटा भी हो ना तो एक साइड टेबल भी सफिशिएंट होती है। अगर आप एक डेडिकेटेड स्पेस बना दोगे ना जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैंडी चाहिए होती हैं, तो वो हमेशा टाइम पे आपको मिल जाती हैं। और अगर आप अपनी ये हैबिट बना के रखो कि आपने जहाँ से सामान उठाया है वहीं रखोगे, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। बेडरूम की वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके के वुडन वॉल फ्रेम्स परचेज किए थे। ये आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। ये वुडन फ्रेम्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हर एक बेडरूम थीम पे ना ये अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि ये मल्टी कलर्ड हैं। इस तरीके की वॉल आर्ट्स ना आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे आपका बेडरूम हो या लिविंग रूम हो। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का ना कांथा वर्क का बेड कवर मंगवाया है इंडियन फैब्रिकों से ही। मुझे इसका प्रिंट डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। आप अपने बेड को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और देखने में भी ये बेड कवर बहुत ही सुंदर लगता है। इस पर ना अलग से धागे का काम होता है जो इसको अलग सा बनाता है। आप इसको दोहर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और बेड कवर की तरह भी। बेडरूम में ना विंडोज़ हैं और यहाँ पे लाइट ज़्यादा तो नहीं आती है, बट हाँ थोड़ी रोशनी मुझे चाहिए, तो मैंने नेट के कर्टन्स यूज़ करे हैं ऑफ वाइट में। ये मैंने मीशो से ही परचेज़ करे हैं। काफ़ी अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मीशो से ही मिल जाएंगे। हम हर बार ना नए नए DIYs ट्राई करते हैं, चाहे वो होम डेकोर रिलेटेड हो या अपनी स्किन को रिलेटेड। हम में से बहुत लोग DIY करते हैं राइस वाटर का फेस मास्क बनाना घर पे ही, बट अगर आपको कुछ रेडीमेड मिल जाए तो काम काफ़ी इजी हो जाएगा। इस बार मामा अर्थ ने ना नई रेंज निकाली है जो है राइस वाटर के साथ। राइस वाटर रेगुलर लगाने से ना स्किन नेचुरली ग्लो करती है। इन फैक्ट इट क्लेरिफाइज योर स्किन एंड स्टिमुलेट्स योर कोलेजन प्रोडक्शन एज वेल। आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड जब मुझे पता चला कि सनस्क्रीन जेल के अंदर भी आपको राइस वाटर और नियासिनामाइड मिलेगा, साथ ही साथ UVA एंड बी प्रोटेक्शन विद SPF 50 एंड PA++। ये सनस्क्रीन जेल लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है बाकी जेल्स की तरह, और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। आपकी स्किन को एकदम क्लियर कर देता है और प्लम्पी स्किन भी। इस एप्लीकेशन को मैंने यूज़ किया है 5 to 10 days और मैंने भी लिया ग्लास स्किन रिफ्लेक्शन चैलेंज मामा अर्थ के साथ, जिसके अंदर मुझे रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। 5 to 10 days के अंदर मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हो गई है। अगर आपको भी प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अब तो मामा अर्थ का स्टोर भी ओपन हो गया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली परचेज कर
कर सकते हैं। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स नाइका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी अवेलेबल हैं। नए दिन की शुरुआत नए बेडरूम मेकओवर के साथ। इसके लिए भी मैंने मंगवाई है बेडशीट, जो है ऑफ वाइट और ब्राउन बेस के अंदर मस्टर्ड कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस, पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे इंडियन फैब्रिकों के अंदर। किंग साइज़ बेडशीट है और ओवरऑल लेंथ ना मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको पिलो कवर्स में जिप मिलेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, 100% कॉटन। ये कर्टन्स भी शियर कर्टन्स हैं पॉलिएस्टर मटेरियल के। ये मैंने अमेजोन से ही परचेज करे थे, सेट ऑफ टू, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। ये ऑफ वाइट के अंदर है, आपको बहुत सारे कलर्स इसमें मिल जाएंगे। इस बार ना मैंने बेड के हेड साइड के लिए लिए हैं बड़े वाले कुशन कवर्स। मेरे पास 24x24 के कुशन्स थे तो मैंने ये सेट ऑफ टू में मंगवाए हैं। बहुत ही प्यारे, प्रिटी और अफोर्डेबल प्राइस पर हैं, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आपको इस तरीके के कुशन कवर्स ना बहुत प्यारे मिलेंगे अमेजोन पे। देखने में इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि मुझे लगा कि ये परफेक्ट मैच हो रहे हैं। बेडशीट्स जो भी आपकी ज़्यादा कलर की है उसी से के कॉन्ट्रास्ट में या फिर उसी से मिलता जुलता अगर आप दोहर लेते हैं तो वो एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है। ये दोहर का कलर वाइट और मस्टर्ड के अंदर है, रिवर्सिबल है, मलमल का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतना सॉफ्ट है, समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। ये दोहर किंग साइज़ का है और काफ़ी कम्फर्टेबल है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, एकदम परफेक्ट है जैसा समर्स में होना चाहिए। मुझे हमेशा ना एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जैसे ही बैठो और बेडशीट्स पर रिंकल्स आ जाते थे, बेडशीट को ठीक करना पड़ता था। पर मुझे इन वाली बेडशीट्स पे ना ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ी। काफ़ी घंटों तक हम लोग बैठे रहे और बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चीज़ परचेज करो उसकी क्वालिटी ज़रूर देखो। बिना क्वालिटी के आप कभी भी कोई सामान सस्ते के चक्कर में मत खरीदो। जिन बेडशीट्स का थ्रेड काउंट 200 से ज़्यादा होता है वो बेडशीट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो सालों साल आपके साथ रहती हैं। अगर आप समझदारी से कोई भी सामान अपने घर के लिए परचेज करेंगे तो वो सामान आपके साथ काफी लंबे टाइम तक रहेगा। इसी के साथ मैं कर रही हूँ साइनिंग ऑफ। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और कॉमेंट भी। बाय बाय।